साथियों, जैसा कि आज मेन जो टॉपिक है अपना वो है कि नेटवर्किंग करते समय लीडर को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें सभी आप सब लोगों ने बताया कि अपने का कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या अपनी कंपनी के लिए जिम्मेवारी है, नेटवर्किंग के आपके क्या एक्सपीरियंस है। तो इन सबसे पहले आपने किसी से बात करनी है तो सबसे पहले तो अपने को उनसे टाइम फिक्स करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ दो तीन टेक्निक बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप जिससे बात करना चाहते हैं, आपने फ़ोन किया किसी के घर में, मोबाइल किसी ने उठाया, तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने गुरमेल सिंह जी से बात करनी है तो आप कंफर्म करें पहली लाइन में कि गुरमेल सिंह जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। आप सबसे पहले ये बात कहेंगे तो वो कंफर्मेशन हो जाएगी कि आप जिससे बात करना चाह रहे हैं कि वही सामने है। नहीं तो कई बार ये भी होता है कि आपने पहले ही बता दिया जी कि मैं सो एंड सो बोल रहा हूँ और मेरे को ये काम है, तो वो उसको टाल भी सकते हैं। वो आपको ये भी कह सकते हैं, नहीं जी मैं उनका फादर बोल रहा हूँ, ब्रदर बोल रहा हूँ, वो है नहीं, ये वो, इस टाइप की। तो आपको सबसे पहले तो ये कंफर्म करें। दूसरी बात क्या है कि उनको ये ना कहें कि क्या आप बिजी हैं, बिजी वर्ड नहीं बोलेंगे। नहीं तो वो अगर आपने ऐसा बोल दिया तो वो 100% कहेगा हाँ जी मैं तो बिजी हूँ, मैं फिर बाद में बात करूँगा। तो आपने शुरुआत ही यहाँ से करनी है कि आपके मेरे को 2 मिनट चाहिए और मैं आपसे बहुत ज़रूरी एक ऐसा सिस्टम के बारे में आपको बताने आ रहा हूँ जिसमें जो अपनी लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको एक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे। तीसरी बात क्या है कि जब आपने उनको कहा कि भाई आज शाम को मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, ये सब कंफर्म हो गया कि वो गुरमेल जी ही बोल रहे हैं और आपने अपनी बात भी कह दी, तो आप उसको पूरे सिस्टम के, अपने प्रोडक्ट के, अपनी प्लान के बारे में टेलीफोन पर नहीं बताएंगे। तो आपने ये कहना है कि भाई मैं शाम को मिलने आ रहा हूँ, तो उसमें या आपने ये वर्डिंग नहीं बोलनी कि क्या आपके पास टाइम है, क्योंकि आपने कहा टाइम है तो वो कहेगा हाँ जी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिजी हूँ, और ना ये पूछना कि आप कब मिलेंगे, क्योंकि आपने कहा कब मिलेंगे तो वो ये कहेंगे ठीक है जी मैं 2 साल बाद मिलूँगा। तो वो तो वर्डिंग अपने ने बोलनी नहीं, अपने को ये कहना है कि आपको पहले ही टाइम फिक्स करके बोलना कि जी मैं आपको शाम को 5 बजे मिलने आऊँगा, ताकि वो थोड़ा सा ये हो सकता है वो ये कहे कि 5 के बजाय 6 बजे या कल को, तो कल के लिए भी आप अगर वो करना चाहे या 2 दिन बाद करना चाहे संडे को, तो आप वो भी कह सकते हैं ठीक है जी मैं संडे को, फ्राइडे को, जो भी आपने टाइम दिया या उसने दिया, भाई उस दिन शाम को या 5 बजे मैं आपको मिलने आऊँगा। और उसमें वो ये कहे नेक्स्ट लाइन, वो कई बार ये भी कह देता है ठीक है जी आप मेरे को फ़ोन कर लेना, तो आप उसको ये कहें नहीं जी मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, हाँ मैं आपको एक मैसेज ज़रूर डाल दूंगा। अगर इस दौरान अगर आपको पता लगे कि आप उस दिन नहीं है तो आप मेरे को बैक मैसेज कर देना या बता देना। तीसरी बात यह है कि अपने को किसी तरह का अगले को बिजनेस के बारे में अपने को एडवांस फ़ोन पर ज़्यादा नहीं बताना है, उसकी कोशिश ये करनी है कि वो अपनी बात को हम उसके पास जाएं, अपॉइंटमेंट लें, वहां जाके ही डिटेल बताएं। क्योंकि अगर उसने अगर ये वर्डिंग भी कहीं, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बिज़ी हूँ, तो आपने ये वर्डिंग भी ज़रूर उनको बोलनी है कि बिज़ी होना तरक्की की निशानी है। ये जो सिस्टम मैं आपके आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बिज़ी शेड्यूल वाला आदमी ही इसको बेटर तरीके से कर सकता है, ताकि मेरे पास वो सिस्टम है जिसमें आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी ज़्यादा इनकम होगी, और बहुत बढ़िया, ये सिर्फ बिजनेस आप जैसे साथियों के लिए है। आपने ये बात उनको बताएंगे तो नेचुरल है, उसको अच्छा लगेगा और वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। थैंक यू।